वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल माई सी एम ए स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम इन जून 24। आप लोगों का रिविजन टाइम आ चुका है, अब रिविजन करना है तो कैसे करेंगे उसी के लिए वीडियो बनाया गया है। सो दोस्तों, दिस इज नाउ ऑलमोस्ट अप्रैल मिड, तो अप्रैल मिड से अब आपके पास गिन चुन के 45 दिन बचे हैं। तो इस 45 दिन में आप लोग अब कैसे रिवाइज करेंगे, दिस इज द बिग बिग क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ यू आर सर्चिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब फॉर मैराथन, तो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या मैराथन वीडियोस पे ही रिलाई करके रिवाइज करना है? द आंसर इज नो। ध्यान से सुनो, नो 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 नो। तो कैसे रिवाइज करना है? रिविजन खुद का दिमाग को पलट के होता है। तो सबसे पहला चीज ये ध्यान रखना है कि जहां से भी आप पढ़े हो पहली बार, उस चीज से कुछ तो नोट्स बना होगा, उस नोट्स को लेकर बैठो, अपना दिमाग खपाओ। अगर उस पर्टिकुलर जगह में क्या बताया गया था वो याद नहीं आ रहा है, तो आप जरूर वो पार्ट मैराथन वीडियोस या कोई भी और रिवीजन वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसको रेफर करो। बट सबसे पहले अपना जो पढ़ाई किया था उस समय जो नोट्स बनाया था उस पे दिमाग लगाकर वहां पर दिमाग में पलटो कि वो चीज याद है कि नहीं है। अब याद है कि नहीं है, बच्चे क्या भूल कर रहे हैं पता है? वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर पढ़ रहे हैं, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, अपना दिमाग जरा सा भी नहीं लगा रहे। और बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, बस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, आंसर में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन का फिगर आंसर में दिख रहा है तो ओके ओके, समझने भी नहीं जा रहे हैं। फिर कोई बच्चे क्या कर रहे, किसी क्वेश्चन में कुछ ये ऐसे किया हुआ था तो दूसरा क्वेश्चन में वैसे किया हुआ था, उसको लेके ट्रबल्ड हो जा रहे हैं कि अरे सर उसमें तो ये किया हुआ था, इसमें ऐसे कैसे कर दिया। ये सब खाली बस क्वेश्चन आंसर मैचिंग करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। रिजल्ट किनका अच्छा होता है, रिजल्ट किसका होता है इनफैक्ट, वो उस बच्चे का होता है जो क्वेश्चन को पढ़ के अपने से आंसर पूरा निकालते हैं, लास्ट तक जाते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ पे क्या मैच नहीं हो रहा। अब मैच नहीं होता तो डिस्करेज भी हो जाते, बोलते हैं नहीं नहीं डिस्करेज हो गया एकदम, मेरा तो कॉन्फिडेंस लो हो गया क्योंकि मैच नहीं हो रहा है। ऐसे सोचने से नहीं होगा, आपको देखना होगा कितना परसेंट मैच हो रहा है, कितना पार्ट ऑफ द आंसर मैच हो जा रहा है, उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो दैट्स द रिवीजन प्रोसेस। तो रिवीजन प्रोसेस जो लास्ट फ्यू डेज में होता है वो ऐसे ही होता है कि आप जब कॉन्सेप्ट देख रहे हो तो कॉन्सेप्ट देखते ही आपको याद आ जाए कि इसके अंदर क्या था, उसको पढ़ना नहीं है। अगर भूल गए, एकदम जीरो बट्टा सन्नाटा हो गया है, तो एक बार पढ़ा अच्छा हाँ याद आ गया, अब वो समझ में नहीं आया तो उसका वीडियो देख लिया हाँ हाँ याद आ गया। पूरा वीडियो में ही लगे रहना है ऐसा नहीं करना है, कंसेप्ट तुरंत नाम देखो और देखो कि याद है कि नहीं है, अगर याद है तो आगे बढ़ो। फिर क्वेश्चन जब आया तो क्वेश्चन पढ़ के अगर थ्योरी है तो अपने से पॉइंट सोचो कि इसका एग्जाम में आ जाता तो मैं क्या क्या पॉइंट लिखता। पूरा आंसर इलैबोरेटेड वे में लिखना है नहीं, पॉइंट्स खाली सोचो कि क्या क्या हो सकता था, वो इसमें ये लिखता ये लिखता ये लिखता, बस एक आइडिया के लिए थोड़ा फ्रेजेस लिखकर सोचो कि ये पार्ट होता है इस आंसर का। फिर देखो आंसर में सच में वो पार्ट है कि नहीं, और ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपका अभी भी छूट रहा है, तो आपका रिविजन होगा। और इसी तरह से प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर निकालोगे अपने से, भले ही बहुत अच्छे से सजाया नहीं बट आंसर अपने से निकालोगे और फिर टैली करके देखोगे आंसर मैच हुआ नहीं हुआ तो कितना परसेंट मैच हुआ, कहाँ पे जाके आपने भूल कर दी, उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है। और ये जहाँ जहाँ जो जो छूट रहा है, जहाँ गलतियाँ हो रही है, उसका एक लिस्ट बनाना है चैप्टर वाइज कि इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में मैं यहाँ गलत कर रहा था, ये चीज़ मैं भूल रहा था, और ये आपका रिविजन का पार्ट बनेगा। मैं ये देखना नहीं चाहता और कि आप बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आंसर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और मिला रहे हैं आंसर में उसका फिगर्स है कि नहीं है, एक आंसर का देखकर दूसरा आंसर कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं, उससे नहीं होगा, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर ये पूरा कर लेते हैं तो आपका एक रिवीजन साइकिल कंप्लीट हुआ। सेकंड रिवीजन साइकिल में जब आप आओगे तो सेकंड रिवीजन साइकिल में हम लोग ये भी रेफर नहीं करते कि जो कंसेप्ट है उसका भी हेडिंग वेडिंग नहीं देखना चाहते, हम बस
ब्लैंक पेपर लेकर देखना चाहते हैं कि पूरा कंसेप्ट हम कितना बिना कंसेप्ट का हेडिंग देखे भी उतार पाते कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितना चीज है। फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल कॉस्टिंग, तो उसमें कितना चीज है। फॉर एग्जाम्पल रेशियो एनालिसिस में कितना सारा रेशियोज है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल बजटिंग, तो उसमें क्या क्या मेथड्स हैं और उसका प्रोसेस क्या है। आपको बिना देखे उस चैप्टर का कितना कुछ याद आता है, जब आप उसको ब्लैंक पेज में उतारते हो तो वो एक नेक्स्ट लेवल रिविजन होता है। और फिर क्वेश्चंस देख देख के, क्वेश्चन नंबर देखते हो, उस क्वेश्चन में जाते हो, देखते हो उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन का फोटो देख कर ही, क्वेश्चन का जस्ट स्ट्रक्चर देख कर ही आपको याद आता है इस क्वेश्चन में ये ट्रिक था जहां पे ये मैं भूल गया था। तो वो ट्रिक्स को रिकॉल करना है, दैट इज योर नेक्स्ट लेवल रिविजन। जब आप ये करते हो तो आपके दिमाग में बैठेगा कि यस अब मेरे को आ गया है, और इसी तरह से आपका सेकेंड रिविजन खत्म होगा। एक चीज और बता दूं, दोनों रिवीजन एक चीज के बिना अधूरा है, और वो है मॉक टेस्ट। बच्चे जो मॉक टेस्ट नहीं देते उनका जो मेन एग्जाम है वही मॉक हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता एग्जाम का जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है, वो कैसे हैंडल करे। वो 3 घंटा बैठ के हाथ चलाना लगातार, वो 3 घंटा बैठ के आपको एक एक क्वेश्चन को सोच सोच के नहीं, फटाफट बस लिखना है, लगातार लिखना है, और उस 3 घंटे में मिक्स बैग में से क्वेश्चंस कैसे पिक करने हैं, और उस 3 घंटा के पहले 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है, प्लानिंग कैसे करना है उस 3 घंटे की, ये सब का आपको अंदाजा ही नहीं होता, आइडिया ही नहीं होता। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, यू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन द मेन एग्जाम। तो मेन एग्जाम में अगर वो सब डिफिकल्टी नहीं फेस करना चाहते तो मॉक टेस्ट जरूर देना है। इसके लिए SSC कराता है मॉक टेस्ट संग्राम। Phase 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। Phase 1 में जिनका जो टेस्ट छूट गया वो हम लोग आपको थोड़ा लेट से करा देंगे, आपको मौका दे देंगे कि आप बाद में पेपर सबमिट कर दीजिएगा उसका। बट जो चल रहा है उसमें भी आप अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट से हाथ पकड़ लो हमारा, तो ये पक्का है कि आपका एक निर्धारित समय पर किसी भी हालत में झक मार के आपका ये कंप्लीट जरूर हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। मॉक टेस्ट के बारे में जानकारी लेना है तो जल्दी से जैसी वेबसाइट जाइए, एडमिशन लीजिए, या फिर यहाँ दिए हुए इंक्वायरी फॉर्म में फॉर्म भरिए, हमारे से कनेक्ट होइए। देरी मत करिए, डिले मत करिए, अब एक्शन लीजिए और मत सोचिए। मैं बहुत बच्चों का अभी भी सुन रहा हूँ, बोल रहे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ सर, अभी कहाँ से मॉक टेस्ट, अब होगा भी नहीं, 80% इज द न्यू 100%, 80% पे छोड़ो और आगे मॉक टेस्ट दे दे के देखो कि उस 80% से भी पास हो सक रहे हो कि नहीं हो सक रहे हो। अगर उससे पास नहीं हो सकते तो 100% से भी शायद पास नहीं हो पाओगे, इस चीज़ को जान लो। अब देर नहीं करना है, जो छूट गया छूट गया, अब आगे बढ़ाना है फटाफट गाड़ी, और इस सारे वीडियो को वापस से सुन लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत काम की बात बताई गई है, एक बार में शायद समझ में नहीं आया होगा। चलो, थैंक यू सो मच।